दोस्तों, जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो तो मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हो, जबकि आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप एडसेंस अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो यूट्यूब अकाउंट में जाकर, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस यानी आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यानी क्रिएट करना होता है गूगल एडसेंस अकाउंट पे यूट्यूब के अंदर। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही आपके $10 हो जाते हैं, तो आपको YouTube में चेक कर लेना है। इस हिसाब से आपके $10 हो जाते हैं या फिर आपके $10 के बाद आपके एडसेंस में एक्शन का बटन आ जाता है इस प्रकार से। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपके सामने इस तरह का एड्रेस मांगा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप का आपको बताना पड़ेगा कि आपका किस तरह का आपका अकाउंट का टाइप है। जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल या फिर बिजनेस। इंडिविजुअल, अगर आप एक अपने यूट्यूब चैनल के ओनर हो तो आप इंडिविजुअल रखिए। अगर आपकी एक कंपनी है यानी, तो फिर आप बिजनेस रखिए। कंपनी मतलब कि जैसे कि टी सीरीज कंपनी है, काफ़ी बंदे जिसमें इन्वॉल्व हैं, यानी एक कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो उसका जो अकाउंट होता है वहाँ पर बिजनेस पे वो क्लिक करता है। अगर आप एक क्रिएटर्स हो तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हो, सबसे पहले यहाँ पर आता है नेम एंड एड्रेस। ज़्यादा बंदे क्या करते हैं कि नेम में यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम एंटर कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। सिंपली आपको अपना नाम यानी जो भी आपका नाम है, नाम मतलब कि आपके आइडेंटिटी में जो भी नाम है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक यहाँ पर पेज है, यानी जब आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे आइडेंटिटी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आपको नोट में बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बताया गया है इस हिसाब से कि द नेम ऑन द आईडी शुड एग्जैक्टली मैच द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइड ऑन दिस फॉर्म। यानी कि आपने इसमें वो नाम एंटर करना है जो आपकी आइडेंटिटी में है। आइडेंटिटी में जैसे मैंने आपको बताया, वही नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको वही नाम एंटर करना है जो आप आइडेंटिटी देना चाहते हो। मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और मैंने यहाँ पर खाली यहाँ पर लिख दिया प्रिंस कुमार, और मेरी आइडेंटिटी में जो नाम है वो है प्रिंस कुमार, यानी जो भी आइडेंटिटी में यहाँ पर देना चाहता हूँ इन आइडेंटिटी में से, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बच्चों का भी आधार कार्ड बनता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्ट। तो जो भी आप आईडी से यानी अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराओगे, तो उसमें जो भी आपका नाम है, तो वही आपको नाम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा अपने इस नेम में। अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी में आपका नाम जो भी है वो सेम आपको यहाँ पर एंटर करना, अगर आप डिफरेंट रखोगे तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगी। उसके बाद एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, यहाँ पर दो एड्रेस लाइन वन और टू यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी लड़के क्या करते हैं, एड्रेस लाइन वन में भी सेम एड्रेस डालते हैं, एड्रेस लाइन टू में भी सेम एड्रेस डालते हैं। ये आपको नहीं करना। आपको दो एड्रेस लाइन वन या टू दी गई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको दो लाइन दी गई है क्योंकि अगर आपका एड्रेस वन में आपका पूरा एड्रेस फिलअप नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट लाइन में आप वो एड्रेस पूरा कर दीजिए। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है, साथ में आप क्या करिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप दे दीजिए एड्रेस लाइन वन और टू में, दोनों में, यानी कि मतलब कि आपका एड्रेस दो में ख़त्म हो जाता है, पूरा फिलअप हो जाता है, तो लास्ट में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि जो पोस्टमैन होते हैं, वो आपका जो पिन कोड आता है वो आपका कहीं किसी और के पास दे देता है, यानी नाम से मिलता जुलता, और आपके पास गूगल पिन नहीं पहुँच पाता, और आपका एडसेंस का जो वेरीफिकेशन कोड है वो आपका वेरीफिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप यहाँ पर नंबर एंटर कर दोगे, मोबाइल नंबर, तो क्या होगा कि आपके वो मोबाइल नंबर पे आपके कॉल कर लेगा और आपसे बातचीत कर लेगा कि आपका मैं एडसेंस पिन ले रहा हूँ इस बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपका टाउन सिटी है, जो भी आपकी टाउन सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अपने विलेज का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी आपकी सिटी पड़ती है, जो भी आपका टाउन पड़ता है, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। सबसे मेन आता है यहाँ पर पोस्ट कोड अपना यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी पिन कोड। पोस्ट कोड का मतलब होता है पिन कोड, यानी जो भी आपके डाक घर का, पोस्ट ऑफिस का जो भी पिन कोड है, आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मांगा जाता है, ऑप्शनल, आप यहाँ पर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ज़रूरी है आपको यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद इसे आपको सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपने गूगल एडसेंस में
आपने क्या अपने नाम एंटर किया था आप भूल चुके हो, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा से चांस मिलता है। यानी जब आपका $10 कंप्लीट हो जाता है या फिर यानी कि आपके पास यहाँ पर एक्शन का बटन आ जाता है, $10 जैसे कंप्लीट होते हैं आपके बैलेंस में शो हो जाएगा एवरी मंथ को 11 तारीख को। जैसे ही आपके $10 के आसपास होने लगते हैं तो आपसे एडसेंस में एक्शन का बटन यहाँ पर शो हो जाता है कि आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर अपलोड करें। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपसे वही बात यहाँ पर बोलेगा कि नोट में कि आपको वही सेम यानी कि आपको आइडेंटिटी आपको यहाँ पर देनी है जिसमें आपका नाम बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने यहाँ पर नाम फिलअप किया है वो सेम टू सेम आपकी आइडेंटिटी में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर गलत नाम एंटर किया है तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है पेंसिल वाले आइकन का, तो यहाँ पर भी ये फैसिलिटी आपको गूगल एडसेंस देता है। अगर आपको लगता है कि एड्रेस गलत है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपका सारा प्रॉपर वही एड्रेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर दोबारा से अगर आपको नाम लगता है गलत है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आप कौन सी आइडेंटिटी देने वाले हैं, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी देने वाले हैं, उसमें आपका नाम क्या है, सेम टू सेम आपको नाम एंटर करना है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो नेम है वो आपका आईडी नेम में आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, नेम आपका मैच होना चाहिए। यानी आपके पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता, आपको याद होगा जब आपने पैन कार्ड बनवाया था तो उसमें आपको अपने एड्रेस के लिए आपने कोई ना कोई यहाँ पर कॉपी अटैचमेंट की थी, जैसे कि आधार कार्ड यानी कि या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपने राशन कार्ड, तो उसमें आपका एड्रेस फिलअप होता है जो भी आप नंबर यहाँ पर आपके पैन कार्ड में होता है। तो इनमें जो भी आप कहने का मतलब ये है कि इनमें जो भी आप यानी आईडी दोगे तो उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो कुछ दिनों बाद यानी कुछ घंटों बाद आपकी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी सक्सेसफुली। काफ़ी बंदे का मैंने देखा है कि काफ़ी बंदे के आइडेंटिटी में एरर आ जाता है, आइडेंटिटी फील्ड दिखाता है, वो इसी वजह से दिखाता है क्योंकि वो वहाँ पर चैनल का नाम एंटर कर देते हैं यानी या फिर अपने नाम में आगे पीछे सरने में लास्ट नेम में कुछ लगा देते हैं जो कि आइडेंटिटी में नहीं होता, काफ़ी ये कारण भी होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना।